नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बजाज ETV 2005 की डेमो। चलो सबसे पहले मैं आपको इसके डिस्प्ले के ऊपर जितने भी फीचर है उसके बारे में रूबरू करवाता हूँ। ये है माइक्रोवेव का पावर लेवल का बटन, ये है ग्रिल का बटन और ये ग्रिल प्लस कॉम्बी का बटन, ये वेट एडजस्ट का बटन, ये वेट डिफ्रॉस्ट का बटन, ये किचन टाइमर है और ये क्लॉक है, ये स्टॉप एंड कैंसिल का बटन है एंड ये प्ले का बटन है। माइक्रोवेव में एक यहाँ पे ग्रिल लगी हुई है ऊपर वाली साइड में, आप देख सकते हैं, और इस साइड में माइका शीट है जहाँ पे वेव्स आती हैं और आपकी जो मटेरियल आपने रखा होता है गर्म करने के लिए वो चीज़ गर्म होती है। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको खास बताना चाहता हूँ, कभी भी माइक्रोवेव को खाली नहीं चलाते, इसलिए मैं इसको माइक्रोसेफ ग्लास इसमें रख देता हूँ पानी से भरा हुआ, जो इसको बंद कर देता हूँ। मान के चलिए कोई भी चीज़ अगर आपने बर्गर पैटी वगैरह आपने गर्म करनी है, ये स्टार्ट वाला बटन है क्विक स्टार्ट वाला, इसको एक प्रेस करेंगे वन टाइम ये 30 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएगा। आप देखेंगे हमारा माइक्रोवेव चलने लगा है। मैक्सिमम कोई भी चीज़ अगर आपने गर्म करनी है वो 1 मिनट के अंदर गर्म हो जाती है। चाहो तो मैं इसका यहाँ से स्टॉप करके कैंसिल करके इसको 1 मिनट का टाइम भी लगा सकता हूँ, 2 मिनट का लगाना है वो भी यहीं से लग जाएगा। जैसे आप छोड़ेंगे इस मॉडल में ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चेक कीजिए ये माइक्रोवेव चल पड़ा है। ये है क्विक स्टार्ट के लिए, कोई भी जैसे आपने बर्गर पिज़्ज़ा वो चीज़ ईज़िली जल्दी गर्म करनी है। तो चलिए अभी हम आपको इसके फंक्शन के बारे में बताता हूँ जो हमारे कुकिंग के बहुत काम आते हैं। ये है पावर लेवल का बटन, जैसे हम इसको दबाते हैं यहाँ पे 100 लिख के आ जाता है, 100 में पावर लेवल 100। जैसे इसको दोबारा दबाते हैं ये P80 हो जाता है, दोबारा दबाते हैं पावर लेवल 60 हो जाता है, फिर दबाता हूँ पावर लेवल 40 हो जाता है, फिर दबाता हूँ 20 हो जाता है, फिर 00 हो जाता है। ये दोस्तों मिनिमम काम आते हैं, जो मान के चलिए अगर हमने कोई डिश बनानी है, कोई सब्जी बनानी है उस पर्पज़ के लिए, कढ़ी बनानी है या चावल बनाने हैं, उसके हिसाब से इसका पावर लेवल सेट किया जाता है। मैक्सिमम ये पावर लेवल 100 ही रहता है इसका। पावर लेवल 100 करने के बाद इस क्लॉक डायल को हमने टाइम की तरफ घुमाते हुए इसका टाइम लगा देना है। ठीक है दोस्तों, ये आप चेक करेंगे टाइम इसका बढ़ रहा है और इसके बाद इसको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। अभी हमने इसमें कोई कुकिंग नहीं करनी है, इस वजह से मैं इसको दोबारा से यहीं से स्टॉप कर रहा हूँ। माइक्रोवेव के बाद बारी आती है ग्रिल की। ग्रिल यूज़ होती है किसी भी चीज़ को ब्राउनिंग करने के लिए, जैसे आपने पिज़्ज़ा बनाना है उसको ऊपर से ब्राउन करना है, उस पर्पज़ के लिए ग्रिल यूज़ होती है। ग्रिल को दबाने के लिए इसको ग्रिल दबाइए, इसी बटन से इसका टाइम लगा दीजिए। टाइम लगाने के बाद इसको यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। अब ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये ऊपर जो ग्रिल रैक है, ग्रिल वाली ये हीटर लगी हुई है, ये वर्किंग करती है। तो दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी हमने ग्रिल यूज़ करनी है तो किसी भी तरह का प्लास्टिक या माइक्रोसेव बर्तन, जो माइक्रोसेव प्लास्टिक के होते हैं, वो इसमें यूज़ ना हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रिल का स्टैंड यूज़ करना है हमें। इसके मैं इसको कैंसिल करता हूँ। इसके बाद बारी आती है ये कॉम्बी की। कॉम्बी में क्या है दोस्तों, जैसे हम इसको कॉम्बी दबाते हैं तो कॉम्बिनेशन 1 लिख के आ जाता है यहाँ से। कॉम्बिनेशन के बाद इसको दोबारा दबाते हैं, कॉम्बिनेशन 2 लिख के आ जाता है, दोबारा दबाते हैं अगेन कॉम्बिनेशन 1 आ जाता है। कॉम्बिनेशन 1 में क्या है दोस्तों, माइक्रो और एक ग्रिल दोनों चीज़ें साथ साथ वर्किंग करती हैं। जो ग्रिल है वो लगातार वर्किंग करती है, जो माइक्रोवेव है रुक रुक के वर्किंग करता है। जब मैं इसको पहली बार दबाता हूँ कॉम्बिनेशन 1 आ गया, इसके बाद मैंने इसी बटन से इसका डायल नॉब से टाइम लगाना है और देन स्टार्ट करना है। बट दोस्तों यहाँ पे मैं खास के लिए आपको और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो आपने बर्तन यूज़ करने हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बोरोसिल के करने हैं। ओके, इसके बाद ये है वेट एडजस्ट का बटन। अभी जैसे इसके 100 ग्राम आ गए, दोबारा दबाऊँगा, अगेन दोबारा दबाऊँगा, कुछ भी वर्किंग नहीं कर रहा। ये जो ग्राम है ये इन ऑटो कुक के साथ वर्किंग कर रहे हैं,
ये कैसे वर्किंग करते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। डायल नॉब को हल्का सा आगे की तरफ करेंगे, यहाँ पे ऑटो वन लिख किया जाता है। इसको थोड़ा और आगे करेंगे, ऑटो टू, ऑटो थ्री, ऑटो फोर आ जाता है। इन फंक्शन के साथ ये वर्किंग करता है। जैसे एक नंबर पे लिखा है मिलक, दो नंबर पे लिखा है राइस, तीन नंबर पे चपाती है, चार नंबर पे पोटैटो है, उसके बाद ऑटो रीहीट है, फिश है। ये कंपनी ने कुछ इसमें ऑटो डिशें फीड की हुई हैं। जैसे फोर नंबर पे मान लीजिए मैंने पोटैटो बॉयल करने हैं, अब कितने करने हैं वो यही वेट है, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा करने के बाद मैं जैसे इसको स्टार्ट करूँगा टाइम ऑटोमेटिक ले लेगा ये, और 15 मिनट का टाइम है आधा किलो आलू के लिए, तो मान के चलिए वो 15 मिनट से भी कम समय में बॉयल हो जाएंगे बिना पानी से दोस्तों। इसके बाद इसका ये बटन आ रहा है वेट डिफ्रॉस्ट का, इसमें 100 ग्राम्स लिख के आ रहा है, फिर इसी फंक्शन से 200, 300, 400 ऐसे मैं ग्राम इसके बढ़ा पा रहा हूँ। ये भी जो फंक्शन है दोस्तों, जैसे हमने फ्रिज में कोई चीज़ रखी है, फ्रोज़न फ्रूट रखा है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए है। अब फ्रोज़न फूड मैंने मान लीजिए आधा किलो पड़ा है, अब वो कितना नॉर्मल टेम्परेचर पर आने कितना टाइम लेगा मुझे नहीं पता, बट उसका जब मैं इसमें वेट डाल दूंगा कि मेरे पास आधा किलो फ्रोज़न फूड है तो वो कितने टाइम में नॉर्मल टेम्परेचर पर आएंगे, तो वो चीज़ आप देखिएगा कैसे हो रही है। ऑटो डिफ्रोस्ट को मैं वन टाइम प्रेस करता हूँ, 100 ग्राम लिख के आ जाता है। अब मान के चलिए मेरे जो फ्रोज़न फूड है वो है 500 ग्राम का, 500 ग्राम वेट सेट करने के बाद मैंने इसको स्टार्ट करना है। देखिएगा टाइम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। ओके दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा किचन टाइमर के बारे में। ये कुछ भी नहीं है, जस्ट एक किचन टाइमर के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने ये मान के चलिए 2 घंटे का इसमें टाइम फीड करके ओके कर दिया, अब ये टाइम कम होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। उससे आपको अंदाज़ा लगता रहेगा कि जो आपने इसमें डिश रखी है, आपने 2 घंटे का टाइमर लगाया था, इतना टाइम इसमें अभी डिस्प्ले कर रहा है, और जो बच गया जो मिनिमम निकल गया टाइम वो आपका वो है जिसमें आपने डिश इसमें रखी है। ओके दोस्तों, अब इसी बटन से नीचे क्लॉक का बटन है, वो मैं इससे जो अभी टाइम हुआ है वो इसमें फीड कर सकता हूँ। जैसे अभी टाइम हुआ है 4:10, पहले मैंने इसके घंटे सेट कर दिए, दोबारा प्रेस करके इसके मिनट सेट कर दिए, दोबारा प्रेस करूँगा तो ये पूरा पैनल 4:10 का टाइम मुझे शो करना शुरू कर देगा। इसके बाद ये फंक्शन है स्टॉप और कैंसिल का बटन, अगर मैं इसको कुछ सेकंड प्रेस करके रखूँगा ये पूरा पैनल लॉक हो जाएगा, अब कोई भी बटन इसमें काम नहीं करेगा। दोबारा प्रेस करूँगा तो ये चाइल्ड लॉक जो है खुल जाएगा। ये तो रही इसकी जो फंक्शनल डेमो है, अब इसकी साफ़ सफाई के मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहले तो इसके जो टॉप के ऊपर एग्जास निकलती है, हवा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, इसके ऊपर चलते वक्त कुछ भी नहीं रखना और ना ही इसको छूना है। दूसरा जो इसको अंदर चैम्बर है, इसको आपने हफ्ते में एक बार गर्म पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू रख लीजिए, 3 मिनट इसको खाली चलाइए बोरोसिल के बर्तन में, उसके बाद उसी गर्म पानी से इसकी क्लीनिंग कर दीजिए। नहीं तो होगा क्या, ये यहाँ पे जो कॉर्नर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे छोटे 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 फूड पार्टिकल जमा होंगे, जिससे धीरे धीरे ये ग्रेविटी रस्ट होनी शुरू हो जाएगी। आपको इस चीज़ का बहुत बहुत ख्याल रखना है, मैं हफ्ते में महीने में एक बार इसकी क्लीनिंग कर लेनी है। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो डेमो आपको बहुत पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।